मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि सरकार सभी आरोपियों को मौत की सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वहीं भीड़ ने गुरुवार शाम को एक आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना 4 मई को राजधानी इम्फाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर कांगपोक्पी जिले में हुई थी। इसका वीडियो 19 जुलाई को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके ले जा रहे हैं और उनसे अश्लील हरकतें कर रहे हैं। घटना के विरोध में गुरुवार सुबह मणिपुर के चुराचांदपुर में प्रदर्शन शुरू हो गया। हजारों लोगों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिपुर सरकार को भंग किया जाना चाहिए और वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, सरकार ज़्यादातर ज़रूरी मुद्दों पर चुप क्यों है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि समाज में हिंसा का सबसे ज़्यादा दंश महिलाओं और बच्चों को झेलना पड़ता है। महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो देखकर हम बहुत परेशान हुए हैं, हम सरकार को वक्त देते हैं कि वो कदम उठाए, अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो हम कदम उठाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, इस घटना ने 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार किया है, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मेरा दिल आज पीड़ा और क्रोध से भरा है। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता, ये बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। उन्होंने कहा, मैं सभी मुख्यमंत्रियों से कहता हूँ कि कानून व्यवस्था को मजबूत करें, माताओं बहनों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाएं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने या किसी भी राज्य में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था और बहनों का सम्मान प्राथमिकता है। न्यूज़ एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार ने फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्वस्त्र महिला की वीडियो को शेयर न करने का आदेश दिया है। आदेश का उल्लंघन होने पर केंद्र सरकार ट्विटर के खिलाफ एक्शन ले सकती है।